कानपुर के लोनी स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अचानक छात्राओं की तबीयत बिगड़ी तो मौजूद शिक्षकों ने सभी छात्राओं को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचाया। सूचना लगते ही मौके पर बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह और कांग्रेस के युवा नेता प्रदेश कांग्रेस सदस्य हर्षित सिंह ठाकुर, पूर्व निगम अध्यक्ष मनोज तारवाला भी पहुंचे और उन्होंने बच्चों से हालचाल जाने और डॉक्टरों से चर्चा कर उन्हें बच्चों का उपचार करने की बात कही, जिसके बाद डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार दिया। अब बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह नवोदय विद्यालय के कक्षा 6वीं और 7वीं के विद्यार्थियों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। सूचना लगते ही मैं मौके पर पहुंचा और बच्चों का तुरंत ही उपचार शुरू करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद अब बच्चों की हालत में सुधार बताया जा रहा है। मनोज तारवाला ने बताया लापरवाही की भी जांच की जाएगी, बच्चों का उपचार अच्छा किया जाए। रात को जब हमने डिनर किया, डिनर में दाल चावल और पापड़ खाए थे, फिर आके थोड़े बहुत बच्चों को खांसी होने लग गई थी, तो वो फर्स्ट उनको ज़्यादा खांसी होने के कारण वोमिटिंग हो रही थी, तो ज़्यादा वोमिटिंग्स के कारण वो याद आए। फिर अचानक से मुझे उनको देख के मुझे वोमिटिंग्स होने लगी, तो फिर मैं उनके बाद आई, फिर हम आईसीयू में एडमिट हुए, फिर वहाँ पे हमें बॉटल और हमारा ब्लड टेस्ट हुआ, फिर वहाँ से हमें यहाँ पे लाया। मैडम कौन से स्कूल का मामला है? जवाहर। कौन से क्लास के बच्चे थे जो ज़्यादातर ऐसा खाना खा के बीमार हुए? कितने बच्चों में? 30 तो आए, आगे चली गए हैं। देखिए क्या क्या परेशानी होने लगी आप लोगों को? हमें पेट दर्द और खांसी और वोमिटिंग और फीवर आ रहा है। क्या नाम है आपका? अश्विनी चौहान। नवोदय विद्यालय के कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई, सारे बच्चों को अलग अलग पूछा मिल गया है, तो सारे बच्चों का कहना है कि उनको खांसी आ रही है और उल्टी हुई है। डॉक्टर लोगों का कहना है कि ये फूड पॉइजनिंग वाला मामला नहीं है, वायरल होने के कारण ऐसा हो रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों को एक साथ वायरल नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं खाने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। वहाँ के इंचार्ज लोगों का कहना है कि वही खाना हमने भी खाया और वो उम्र में बड़े हैं, इसलिए शायद उन लोगों को खाना पच गया और इन लोगों को नहीं पच गया। तो ये अभी कलेक्टर साहब से भी मैंने बात की है, उनके पास भी जा रहा हूँ, सीएमए को भी मीटिंग में बैठे हुए हैं। ये थोड़ा जांच का विषय तो करेंगे कि इसके अंदर क्यों हुआ। एक हद तो बच्चों को हो तो ठीक है, और कुछ बच्चों की शिकायत थी उस बारे में भी यहाँ के स्टाफ से और चर्चा करके इनको बच्चों को तकलीफ नहीं हुआ, हॉस्पिटल में आने के बाद सब स्वस्थ होकर जाए यही कामना करता हूँ। और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप इसको पॉजिटिव रूप में बताएंगे तो ज़्यादा। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।